हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? मैं अनुज कुमार सिंह बहुत बहुत स्वागत करता हूँ शिक्षा धाम में। आज मेन इस वीडियो का क्या पर्पस है? आप सभी बच्चों के लिए, इन द सेंस जिन बच्चों ने अभी तक स्टडी स्टार्ट नहीं किया है, उन बच्चों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है ये वीडियो। उनके सामने एक सबसे बड़ा चैलेंज था कि सर, मेरा एक बैच जो स्टार्टिंग में जैन में ही स्टार्ट कर दिया था, वो ऑलमोस्ट आधे पे आ चुका है, मतलब चैप्टर हो गए काफ़ी। तो काफ़ी बच्चे बोल रहे थे सर अब पुराना कैसे करेंगे, नहीं कैसे करेंगे। तो आप सभी के लिए मार्च सेशन स्टार्ट ही हुआ है, आपके पास मार्च और अप्रैल 2 महीने बचते हैं, मई में एग्ज़ाम है। तो 2 महीने के अकॉर्डिंगली हम क्या करने जा रहे हैं, सिलेबस को एक नया बैच, इकोनॉमिक बैच, जो कि हम लॉन्च करने जा रहे हैं सभी सब्जेक्ट के, जैसे कि बीकॉम ऑनर्स का बच्चा हो चाहे प्रोग्राम का हो, सेमेस्टर 4 के अंदर, ये सभी सेमेस्टर में आएगा, 5 में भी आएगा, लेकिन अभी सेमेस्टर 4 के अंदर है। कॉरपोरेट, जिसको हमने इकोनॉमिक बैच 2.0 या 2.0 कह लो, सेकेंड बैच हमने स्टार्ट किया है। सर, इसको इकोनॉमिक बैच हम इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पे इस वाले बैच में हम अर्लियर रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं। सर, अर्लियर रजिस्ट्रेशन का क्या मतलब होता है कि जो भी फर्स्ट जो स्टूडेंट आएंगे, जितना हमारे सर्वर पे कैपेसिटी है, आपको कोर्सेज जो मिल जाएगा वो 499 का मिल जाएगा। ज़्यादा डिटेल के लिए ऊपर नंबर भी गिवन है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ के साथ ये आपको कूपन कोड वगैरह नथिंग नीडेड, कुछ भी नीडेड नहीं है, डायरेक्टली जाके बाय कर सकते हैं। और जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे तो वीडियो डलेगी, ऐसा तो नहीं है कि मैंने बैच लॉन्च किया। जिन बच्चों का रह गया है और कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है नहीं करना, उनके लिए बेनिफिशियल होने वाला है, इस बैच के अंदर स्ट्रेटेजी वाई भी आएगा। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने हाल फिलहाल आज मॉर्निंग में भी खरीदा होगा, कल भी खरीदा होगा, तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है, उन बैच में भी सेम सारी फैसिलिटी मिलने वाली है जो हम कुछ और एड ऑन करने जा रहे हैं। जैसे टाइम टू टाइम एक मैनेजमेंट के हिसाब से टाइम को मैनेज करने के लिए स्टडी प्लान से कि कौन सा चैप्टर करना चाहिए, किस पे आपको हार्ड वर्किंग करना चाहिए, वो सारी चीज़ें सभी को मिलेगा। तो जिन्होंने पहले अभी एनरोल कर लिया है, नॉर्मल जो बैच था हमारा, उस बैच वाले बच्चों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो फ्रेश बच्चे आएंगे जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है ये बैच, दैट इज 2.0 हमारा जो बैच है। इसके अंदर सर, बीकॉम के अंदर कॉरपोरेट अकाउंट के लिए, बिजनेस मैथ्स के लिए और कॉस्ट यानी ऑनर्स और प्रोग्राम दोनों के लिए बहुत अच्छी बात है ये। तो बस आपको आज की यही इन्फॉर्मेशन देना था। अगली वीडियो में मैं हर सिलेबस को डिस्कशन करूंगा कि हम कैसे स्टडी करने वाले हैं, सो दैट आपको थोड़ा आइडिया लग जाए और आप डिसाइड कर पाओ कि हमें बैच को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं ज्वाइन करना चाहिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, अभी से आप एनरोल हो सकते हैं। हालांकि होली के मौके पे मैंने सोचा होली तक रखना है इस ऑफर को, लेकिन जिस हिसाब से सर्वर की बैंडविड्थ होगी उसी के हिसाब से रखेंगे। आप सभी बच्चों को 2 एप्लीकेशन पे कोर्स साइमल्टेनियसली ओपन करके दिया जाएगा ताकि सर्वर क्रैश ना हो। इनफैक्ट पुराने बच्चों को देना भी हमने लगभग लगभग स्टार्ट करना शुरू कर दिया है, धीरे धीरे रोल ओवर हो जाएगा, मंडे तक जैसे भी हो जाता है हो जाएगा। तो अगेन थैंक यू सो मच। आप जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो कि नहीं कर पाए ज्वाइन, या फिर कुछ आप कह रहे हैं कि शायद कहीं कोचिंग नहीं ले पाए, जो जहां पढ़ रहे हैं वहीं पढ़ते रहिए, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं जहां भी पढ़ रहे हो। जिन बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब करना क्या चाहिए, उनके लिए सिर्फ बेसिकली ये बैच है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सिलेबस वाले वीडियो में, थैंक यू सो मच।